नमस्कार, शुभ सकाळ को स्वागत करुछि मु शुभश्री। प्रथम हेडलाइंस, सारा देश में कोरोना विरोध में महाविजान टीकाकरण शुभारंभ कले प्रधानमंत्री मोदी। संग्राम रे सामिल होगा लगी आह्वान, कोविड योद्धा फ्रंटलाइन वर्कर को दिगला टीका। राज्य में चलला महासंग्राम, प्रथम टीका नहीं तीन जनक भाव विनिमय कले मुख्यमंत्री। नर्स, सफे कर्मचारी और डाक्तर ने फिडबैक, महामुकबिल सामिल लगी आह्वान। महंगा पड़ा दुर्नीति, चित्रकोंडा ब्लॉक वीडियो लारिमोन खारसेल, झरीगाम ब्लॉक वीडियो देवेंद्र बहादुर सिंह धारुआ और झरींगा ब्लॉक जेई सुनील तामो सस्पेंड, निर्देश जारी कला पंचायतराज विभाग। नवीन नंबर वन परे बीजेडी रे खुशी माहौल, छुटिला शुभेच्छार सुअ, सेपटे कांग्रेस उठाला ऋणभार, नारी निर्यातना और आईन श्रृंखला प्रसंग। केन्द्रमंत्री कहले मोदी ओडिशार लोकप्रिय नेता। माओवादी गोड़े जवान करे राज, मलकानगि खैरपुटे प्रतिष्ठा है बीएसएफ क्यांप, अंचल विकास त्वरान्वित हो आशा, स्थानीय अंचल खुशी लहरी। एवं पुलिस कब्जा में डकायत गैंग, कुटासिंह गाँ जंगल रास्त गिरफ है डकायत गैंग, गोटे बंधुक सह किसी अणओड़िया डकायत को काबू कला लोईसिंघा पुलिस। आसवा संपूर्ण खबर को, देश में आरंभ है टीकाकरण बड़ अभियान। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग माध्यम रे एही अभियान आरंभ करी देश को संबोधित करिछंती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री कहिछंती भारत अल्प समय मधे दुईटी टीका प्रस्तुत करिछि, जहां भारत पाई बड़ सफलता, समग्र देश उत्साह सहित अपेक्षा करिथिला। कोरोना को ब्रेक लगाइबो कोविशील्ड और कोवैक्सीन दुई टीकार शुभारंभ कले प्रधानमंत्री। देशर टीकाकरण अभियान को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रे आरंभ करी देशवासी को संबोधित करिछंती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री तांका संबोधन रे कहिछंती जे भारत अल्प समय मधे दुईटी टीका प्रस्तुत करिछि, एहा भारत पाई एक बड़ सफलता। आज दिन को समग्र देश उत्साह सहित अपेक्षा करिथिला केबे भारत रे कोरोना टीका आसीब, समस्त मुहरे एही प्रश्न थिला। शेषे सब अपेक्षार अंत हो विश्वर सर्वबृहत टीकाकरण अभियान आरंभ होती, मु समस्त देशवासी को अभिनंदन जनाऊ। मोदी, आज के दिन का पूरे देश को बेसब्री से इंतजार रहा है। कितने महीनों से देश के हर घर में बच्चे बूढ़े जवान सभी की जुबान पर यही सवाल था कि कोरोना की वैक्सीन कब आएगी। तो अब कोरोना की वैक्सीन आ गई है, बहुत कम समय में आ गई है। मैं सभी देशवासियों को इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। सेपटे टीकाकरण आरंभ होगा पर दिल्ली एम्स र परिमल कर्मी मंसी कुमारी को भारत प्रथम कोरोना भाइरस टीका दिया जाएगा। सही परी एम्स र निर्देशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया एवं एनआईटी आयोग र सदस्य डॉक्टर विके पाल को मध्य कोरोना टीका दिया जाएगा। टीकाकरण आरंभ होगा पर केंद्र स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन कहते कोरोना विरोध लड़ाई यही टीका संजीवनी भाव कार्य कर। ये आज बहुत खुशी है, बहुत आनंद है, बहुत संतोष है। एक साल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम सब कोविड के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं और लड़ते लड़ते जंग सफलता की ओर बढ़ रही है। भारत के लोगों के मदद से जिन्होंने ट्रायल्स में भी कॉन्ट्रीब्यूट किया, फिर वही डॉक्टरों की मदद से, इंडस्ट्री की मदद से भारतीय वैक्सीन देश के अंदर उपलब्ध हुई है ग्राउंड में, और ये वैक्सीन हमारी कोविड के खिलाफ जंग में एक संजीवनी का काम करेगी। आई एम फीलिंग वेरी प्राउड एंड हम्बल्ड एट दिस पॉइंट बिकॉज़ आई हैव बीन वैक्सीनेटेड एंड आई वाज कंसीडर्ड इन द फर्स्ट लॉट टू बी वैक्सीनेटेड। इट इज अ ग्रेट मोमेंट फॉर आवर कंट्री because we have now started the world's largest vaccination program
and we are very confident that it will be a smooth program and we will be able to vaccinate a very large number of people. Therefore, I'm very, very happy that this has started. It is the beginning of the end as far as the pandemic is concerned. And I really hope that as more and more people come forward when their turn comes, so that we are able to decrease our mortality and also break the chain of transmission. Till you have taken your doses and even afterwards, you have to have COVID appropriate behavior, because you may still get a mild infection, you will not get a serious infection, and you may be infectious to other people who have not been vaccinated. पहले ही लगवा लेते हैं बाद में उसके क्योंकि लगेगी मन को संतुष्टि होगी ताकि मैं आगे भी और सेवा करते रहूं इससे ये होगा कि मैं कोरोना से अपने देश को लड़ने में फायदा होगा मेरे को अंदर से झिझक नहीं होगी जो कोरोना की होती है हमेशा से सब वगैरह पे फेक न्यूज़ सुन के जो घबरा रहे हैं ऐसा घबराने की कोई दिक्कत नहीं है इससे कुछ भी ऐसा कुछ भी नहीं है इससे मैं खुद लगवा के आ रहा हूँ मुझे और अच्छा लग रहा है बल्कि एक मन में जो डर होता है वो भी निकल गया तो सबको लगवानी बहुत जरूरी है इससे हम कोरोना से अपने देश को बचा पाएंगे आगामी समय भारत रे कोरोना उपरे रोक लागी बस समस्त देशवासी को टीकाकरण करा जीवा को लक्ष्य रखा जाय छी ब्यूरो रिपोर्ट एनबीसी न्यूज सफेई कर्मचारी आरंभ हला राज्य में टीकाकरण प्रक्रिया भुवनेश्वर कैपिटल हॉस्पिटल ने प्रथम टीका नहीं सफेई कर्मचारी बीरंच नायक यहाँ कैपिटल हॉस्पिटल निर्देशक एवं तीन जन डाक्तर नहीं टीका मुख्यमंत्री वीसी जरिया सफेई कर्मी नर्स और डाक्तरों सह कर आलोचना महासंग्राम लगे राज्यवासी को आह्वान कोरोना विरोध में चलला बड़ लड़े राज्य आरंभ है टीकाकरण प्रथम टीका नहीं कैपिटल हॉस्पिटल जड़े सफेई कर्मचारी बीरंची नायकों समेत अन्न सह आलोचना करते मुख्यमंत्री नवीन पटनायक टीकाकरण पर स्वास्थ्यावस्था संपर्क में मुख्यमंत्री करते अनुधान यहसह महामुकबिल राज्यवासी सहायता कामना कर मुख्यमंत्री से कहते दस मास धरी कोविड योद्धा मैंने जीवन को बाजी लग सेवा करी स्वास्थ्यकर्मी सेवा और त्याग को केबे भूली हेबना जीवन को बाजी लगाए सेवा करूछंती मान को त्याग और सेवा को आमे केबे भूली पारिबो नाही आपन मान को पाई आमे गर्वित ए वर्ष पाई वैक्सीनेशन आमर सब थर बड़ और गुरुत्वपूर्ण कार्यक्रम धन्यवाद देवी मो डिपार्टमेंट तथा स्वास्थ्य डिपार्टमेंट को समस्त उद्यम आज टीकाकरण सफल होगा और कार्यक्रम आरंभ हो आगामी दिन में आम फेज वाइज समस्त टीकाकरण करवस्था कर शनिवार राज्य में 16,000 अधिक लोक नहीं टीका रविवार यह कार्यक्रम होबना प्रथम दफार 192,000 लोक टीका पाइबे परे पुलिस फायर सर्विस म्युनिसिपालिटी कर्मचारी नेबे तापरे अन्य माने टीका पाइबे सपटे कैपिटल हॉस्पिटल निर्देशक कहते टीका नेबा परे कौनसी पार्श्व प्रतिक्रिया होना गुजबरे विश्वास न करने को से परामर्श देते कैपिटल हॉस्पिटल 1500 स्वास्थ्यकर्मी टीका ने डर अच्छी टीकार कौन बैड इफेक्ट हम तेणु सी मैंने कहे टीका ने कौन प्रकार विपद नहीं आ टीका आम देशर वैज्ञानिक मैंने बाहर कर प्रकार आफ्टर इफेक्ट ना कि असुविधा हम नहीं ये बहुत परीक्षा होगा सरकार कल भितर एत वैज्ञानिक मैंने परीक्षा करें कौन डर पूरा समस्ते आगभर ही आसतु समस्ते नवा निरापद रहा देश को रक्षा करवा आगामी दिन में भुवनेश्वर सेनसन सैट संख्या वृद्धि हो समुदाय 10-15 सेसन सैट कर टीका दिज्व प्रथम सब स्वास्थ्यकर्मी नेमसी कमिशनर कहते सेपटे कैपिटल हॉस्पिटल ने प्रथम टीका नहीं सफेई कर्मचारी होरंची टीका नेबा कि पार्श्व प्रतिक्रिया ना टीका नेबा आत्मबल वृद्धि होती बीरंची मिनिमम 10-15 केन्द्र हम ये जो 6 अच्छी ये जगह हम ही हम याडिशनाल भी गुड़ाए नुआ सेन्टर टा एड कर मो मत सब अधिक ब्लड रक्त भितर आम जीवन ही प्रथम आम से बेस ये करज हाथ में सफा कार्य करें न नबू ताल चार स्प्रेड हम प्रथम सफे कर्मचारी भाई मानक अनुरोध कर समस्ते नि दीर्घ दिन प्रतीक्षा पर शेषे कोविड टीका नेबार सौभाग्य पाई भुवनेश्वरवासी कोरोना विरोध में महासंग्राम सामिल भुवनेश्वर वीडियो जर्नलिस्ट प्रकाश महाराणों सह अनिता दास एनबीसी न्यूज जातीय सर्भे नवीन नंबर वन बीजेडी रे खुशी रो माहौल
मुख्यमंत्री नवीन पटनायक को हजार हजार कर्मी जनाई शुभेच्छा। सेपटे केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान किंतु मोदी को ओडिशार लोकप्रिय नेता बोली कहिछन्ति। सेपटे कांग्रेस उठाई भिन्न प्रसंग, ऋणभार, नारी निर्यातना और आईन श्रृंखला नहीं टार्गेट कर दल। पुणि मुख्यमंत्री नवीन पटनायक नंबर वन, देशव्यापी नवीन को नहीं चर्चा। नवीन एक नंबर मुख्यमंत्री घोषणा परे बेस उत्साहित बीजेडी दलर हजार हजार कर्मी और नेता नवीन निवास आसी मुख्यमंत्री को शुभेच्छा और अभिनंदन जनाई। एक विराट पटुआर से दलय कार्यालय शोभा आसी मुख्यमंत्री को भेटी। कोड़े वर्ष मध्य जहां भी समस्या आसी ताकु समाधान करी आगो को बढ़ी नवीन, से ओडिशार विकास हो नवीन नंबर वन बोली बीजेडी नेता। वर्षर व्यवधान भितर माननीय मुख्यमंत्री नवीन पटनायक को ओडिशा को एक स्वतंत्र स्थान देखते विकास आज समस्त प्रकार जड़े गरीब लोकर समाज में बचापी जी आवश्यकता आज माननीय मुख्यमंत्री ओडिशार कार्यकारी कर जो सी आज भारत बर्ष एक नंबर मुख्यमंत्री से निष्ठार सह ओडिशाकर प्रगति पाई कार्य कर ओडिशार गरीब लोक कार्य कर आज प्रमाण हाँपी गला जे भूकर भोकर भूगोल जोटा कलाहां आज ता प्रगतिर भूगोल निश्चिंत भाव में पहुँच सारी तेणु सामग्रिक भाव में भारत बर्षा ओडिशा को एक नंबर राज्य करने जो प्रयास से प्रयासर प्रतिफलन हो सारा भारत बर्ष एक नंबर होती माननीय मुख्यमंत्री श्रीयुक्त नवीन पटनायक। नवीन नंबर वन को नहीं नाराज विरोधी जातीय स्तर संस्था केड़ सर्भे कला जाणी हेनी बोली कांग्रेस। नवीन बाबू सरकार गत एक वर्ष मध्य एक लक्ष पैंतीस हजार कोटी ऋण करे आईन श्रृंखला विपर्यस्त बोली कांग्रेस। से हीपरी शिशु हत्या और निखोज, चाषी मृत्यु, मंडी में अव्यवस्था प्रसंग उठाई दल। तेणे केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान भिन्न ढंग से कर मुकाबला कहते ओडिशार सबुठ लोकप्रिय नेता प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी। से पेपर वाला को मानुचे तमे को कारण रु कल है एबीपी टीवी को कारण रु कल है आईन श्रृंखला नहीं डेवलपमेंट नहीं लक्षे पैंतीस हजार कोटी लोन बेकार निजुक्ति नहीं किसी नहीं नंबर वन ओडिशा रे सबुठ लोकप्रिय नेता श्री नरेन्द्र मोदी। ओडिशा रे सबुठ लोकप्रिय नेता श्री नरेन्द्र मोदी। जातीय अंतर्जातीय स्तर में विभिन्न समय रे नवीन प्रशंसित होती तेरे देशर अन्य मुख्यमंत्री को पछरे पकाई राज्य लगे गर्व आनी नवीन। भुवनेश्वर वीडियो जर्नलिस्ट गौरीशंकर दास को सह सरोज मल्लिक एमबीसी न्यूज। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक श्रेष्ठ विवेचित होगा पर राज्य में शुभेच्छार सुअ छुटुची। नवीन निवास में मुख्यमंत्री को शुभेच्छा देवा रुंड होते नेता मंत्री युवकर्मी और महिलाकर्मी नवीन समस्त को हाथ हल धन्यवाद जनपरी बीजेडी कार्यालय बीजेडी कर्मी नवीन प्रथम स्थान अधिकार कर खबर शुणि एकाठी होते समस्ते शखर शब्द से कंपिता बीजेडी कार्यालय विराट पटुआर से दलय कार्यालय शोभा आसी मुख्यमंत्री को भेटी। एबीपी न्यूज तरफ जो सर्वे करा था से बेस्ट मुख्यमंत्री से होती समग्र भारत बर्ष आम आज विजु जुव जनता और छात्र जनता दल तरफ संवर्धना ज्ञापन करवाक जाऊँ। प्रभु जगन्नाथ निकट में आम प्रार्थना रे मान्यवर मुख्यमंत्री को अधिका दीर्घायु करूँ। विभिन्न लोक कल्याणमूलक योजना अच्छी भित्तिमिर विकास अच्छी ओडिशार गरीब लोक मानी असहाय लोक कृषक श्रमिक युवक छात्र मानी जो विभिन्न योजना सब रही से सफलता अर्जन कर मुख्यमंत्री श्रीयुक्त नवीन पटनायक महोदय को मुझे शुभेच्छा जनाऊँ एवं सारे चार कोटी ओडिया जे जी प्रिय नेता माननीय मुख्यमंत्री दीर्घ कोड़े वर्ष है अहरह परिश्रम कर कम कर आज एबीपी न्यूज तरफ एक नंबर भाव एक नंबर मुख्यमंत्री भाव आज मान्यता दि जा सब राज्य प्राय आम मुख्य प्रिय मुख्यमंत्री को अनुसरण करशैली अनुसरण करसी गोटे गर्वर कथा गौरवर कथा मुझे प्रथम तो धन्यवाद जनईबी साढ़े चार कोटी ओडिशावासी को जे मान्यवर मुख्यमंत्री को नंबर वन भाव मनोनीत कर जो कार्यशैली जो कम कर तरीका से अपने पार्टी।
महंगा पड़ा दुर्नीति सस्पेंड हेले तीन सरकारी बाबू स्वच्छ भारत योजन होता कार्य दुर्नीति अभियोग आसवाप चित्रकोंडा ब्लॉक बीडीओ लारिमन खारसेल झरीगा ब्लॉक बीडीओ देवेंद्र बहादुर सिंह धारुआ और झरीगा ब्लॉक जेई सुनील तामस होती सस्पेंड एने निर्देश जारी कर पंचायतीराज विभाग बीडीओ विरोध में पायखाना दुर्नीति नहीं झरीगा थाना शताधिक हिताधिकारी नाँ एतला रही तेरे पायखाना दुर्नीति कर पूर्वतन सांसद प्रदीप माझी यार निंदा करने यार दृढ़ तदंत दावी करते नवरंगपुर प्रकल्प निर्देशक रमाकांत नायक यार तदंतभार ग्रहण करे एक स्वतंत्र टीम गठन कर तदंत रिपोर्ट नवरंगपुर जिलापाल हस्तांतर कर मालकानगिरी जिला खैरापुट ब्लॉक अंतर्गत अंड्राहाल ग्राम से प्रतिष्ठा है बीएसएफ कैंप मालकानगिरी जिलार यह एक माओप्रबण इलाका अंचल में बीएसएफ कैंप प्रतिष्ठा दीर्घ दिन प्रशासन तरफ प्रयास जारी रही बेले सफल हो 15 बीएन बीएसएफ पक्षर यह कैंप प्रतिष्ठा कर अवसर में मालकानगिरी एसपीडी ऋषिकेश खिलारी उपस्थित थे कैंप होगापर अंचल में विकास त्वरित हो पार आशा कैंप प्रतिष्ठा पर अंचल में खुशी लहरी खेली जा बलांगीर जिला लोईसिंहारे पुलिस डकायत मुहांमुह केवल एतिक नुहे फिल्म स्टाइल रे काबू हेले डकायत बलांगीर जिला लोईसिंहा थाना कोटासिंग गाँ जंगल रास्त गोटे बंधुक किसी अणओड़िया डकायत थिबा खबर मिलबा परे पुलिस आरंभ करथिला ऑपरेशन तेबे डकायत माने जंगल भितरे रहिबा सह पुलिस उपरकु आक्रमण करथिले एहाकु नै जंगल भितरे दीर्घ समय धरी पुलिस डकायत मध्ये छकापंझा चलीथिला खबर पाए ग्रामवासी माने मध्ये मारणास्त्र और ठेंगाबाड़ी धरी घटनास्थल रे पहुंचीथिले एते संख्यक पुलिस और ग्रामवासी को देखी शेषरे डकायत माने भयभीत होई बंधुक छाड़ी पुलिस निकटरे आत्मसमर्पण करथिले देखते आज सका इनफर्मेसन मिलला पर आम लुसींगा आईसी टीम पठाई हटात और एक्सेप्शनल ब्रेवरी दिखाई घर स्कूल गुड़िक आर्थिक अनग्रसर श्रेणीर छात्र छात्रों लगी ईडब्ल्यूएस कोटारे आडमिशन अनलाइन रे करा जिबो खूब शीघ्र मुख्यमंत्री एहाको लोकार्पित करिबे किछि स्थानरु आडमिशन संपर्कित अनियमितता आसीबा परे ए निष्पत्ति होइतबा सूचना देछंती विद्यालय और गणशिक्षा मंत्री समीर दास झारसुगुड़ा सहर निकटरे प्रेमी जुगलों आत्महत्या उद्यम प्रेमिकर मृत्यु घटीता बेले गुरुतर अवस्था चिकित्सित होती प्रेमिका झारसुगुड़ा ब्लॉक अधीनस्थ मराकोटा पंचायत में घटी घटना गत सोमवार लखनपुर ब्लॉक उबुड़ा गांव गोवर्धन ओराम व्यक्तिगत कार्य दर्शाई घर पलाइला प्रेमिका चली जाते झीओ विषपान करथिबा जानी परिवार लोक तांको जिला मुख्य चिकित्सालय रे भर्ती कराइथिले सेपटे झारसुगुड़ा सहर निकटरे थिबा साले टिकरा गांर शेष मुंडरे बिलभितरे पड़ी रहितला प्रेमिक गोवर्धन रा मृतदेह झारसुगुड़ा सदर थाना पुलिस पहुंची तदंत आरंभ करिछि बोली कहिसेंती एसपी बालेश्वर नीलगिरी रे बारंबार हाथी उपद्रव जो क्षतिग्रस्त होती चाषीकूल केतेबेले झारखंड हाथी तांडव तो केतेबेले कुलडीहा अभयारण्य हाथी प्रादुर्भाव देखा मिलू झारखंड हाथीपल आसी फसल नष्ट घर भांगि देउतबा नजर रही बेले कुलडीहा हाथी उपद्रव वर्ष तमाम लगि रही शुक्रवार विलंबित राति में कुलडीहा हाथी जोकलंडा और जगन्नाथपुर ग्राम से पशि धान खाइबा सह फसल नष्ट करथिबा अभियोग होइछि घटना संपर्क में जानिबा परे एनी तदंत आरंभ करिछि वन विभाग काली राति तीन आसला आसिक मो उष्णान कढ़ा उसी तीन तीन कढ़ाधान तक खाई आठ तो आज धान गुरा हो रही तीन गुरा नष्ट गोटे गुरा नहीं जिते चढ़ाऊ कले भी थमुनी वज्रकाप्ता राकेट जयपुर एसएफओं नेतृत्व में वन विभाग तरफ विरल प्रजातिर वज्रकाप्ता उद्धार कर बोरीगुमा वनांचल अधीनस्थ काठरगड़ा जंगल बेआईन भाव चालाण होता विरल प्रजातिर वज्रकाप्ता उद्धार करसलाणकारी को गिरफ्त कर वज्रकाप्तार ओजन 2 किलोर ऊर्ध हो बोरीगुमा वनांचल अधिकारी वन्यप्राणी सुरक्षा आईन रो 9 39 48 सेक्शन को भायोलेशन करछि एवं तार दंड विधान अच्छी 51 सेक्शन रे से गुडाक आम आसामी कोर्ट फॉरवर्ड करिबो कोर्ट को प्रार्थना करिबो जे ताको विहित
ଦଣ୍ଡ ଅଭିଯାନ କରିବେ। ମୁଁ ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସ ସୂତ୍ରରୁ ଖବର ପାଇଲୁ ଆମର ଜୟପୁର ଖଣ୍ଡୀୟ ବନାଧିକାରୀ ମହୋଦୟଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଏବଂ ଜୟପୁରରେ ଦୁଇ ଜଣ ଆମର ଏସ୍ଏଫ୍ ସାର୍ଙ୍କର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଟିମ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲୁ ଏବଂ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲୁ ଯେ ଚମ୍ପାପଦର ଗ୍ରାମର ପାଖରେ ଦଣ୍ଡାବାଡ଼ି ଗାଁରେ ଜଣେ ଲୋକ ଏଇ ପାଙ୍ଗୋଲିନ୍ ରଖିଛି ଯେ ଆମେ ବେପାରୀ ହୋଇକି ଯାଇ ତା'ଠାରୁ ଏ ପାଙ୍ଗୋଲିନ୍ଟାକୁ ଆମେ ଉଦ୍ଧାର କଲୁ ଏବଂ ଏଇ ଇଏରେ କେସ୍ରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଜଣକୁ ଆସାମୀକୁ ଆମେ ଆରେଷ୍ଟ କରିଛୁ। ପୂର୍ବତଟ ରେଳପଥ ପରିସୀମା ମଧ୍ୟରୁ ଛାଡ଼ୁଥିବା 21ଟି ବିଶେଷ ଟ୍ରେନ୍ଗୁଡ଼ିକର ଚଳାଚଳ ଅବଧିକୁ 2021 ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ପ୍ରତି ବୁଧବାର ଓ ରବିବାର ଦିନ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆନନ୍ଦ ବିହାର ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ପେଶାଲ୍ ଟ୍ରେନ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ 31 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବଂ ଆନନ୍ଦ ବିହାରରୁ ଏପ୍ରିଲ 2 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚଳାଚଳ କରିବ। ସେହିପରି ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ପ୍ରତି ସୋମବାର ଓ ଗୁରୁବାର ଯାଉଥିବା ମୁମ୍ବାଇ ଲୋକମାନ୍ୟ ତିଲକ ଟର୍ମିନାଲ୍ ସ୍ପେଶାଲ୍ ଟ୍ରେନ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱରଠାରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ 29 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓ ଏଲ୍ଟିଟିଠାରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ 31 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚଳାଚଳ କରିବ। ସେହିପରି ବିଭିନ୍ନ ଟ୍ରେନ୍ଗୁଡ଼ିକର ଅବଧିକୁ ବଢ଼ାଯାଇଛି। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ବଢ଼ୁଛି ରାଜନୈତିକ ତାତି। ଆସନ୍ତା ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ କିଏ ଦଳବଦଳ କରୁଛି ତ ପୁଣି କିଏ କଡ଼ା ସମାଲୋଚନା କରୁଛି। ରାଜନୈତିକ ଉତ୍ତେଜନାରେ ତୀବ୍ର ହେଉଛି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ। ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସର ବଳୁଆ ଶୁଭେନ୍ଦୁଙ୍କ ସମେତ ଦଳର ଅନେକ ନେତା ଦଳର ହାତ ଛାଡ଼ିବା ପରେ ଏବେ ବୀରଭୂମିର ସାଂସଦ ଶତାବ୍ଦୀ ରାୟ ଦଳ ଛାଡ଼ି ବିଜେପିରେ ସାମିଲ ହେବା କଥା ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଛି। ସେ ଦଳ ଉପରେ ଅସନ୍ତୋଷ ବ୍ୟକ୍ତ କରିବା ସହ ଫେସବୁକ୍ ପୋଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ବିଦ୍ରୋହୀ ମନୋଭାବ ନେଇ ଦଳର କିଛି ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ଅପମାନିତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଲେଖିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଟିଏମ୍ସିର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଅଭିଷେକ ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇ ଟିଏମ୍ସି ସହିତ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଶତାବ୍ଦୀ ରାୟ କହିଛନ୍ତି। ବିହାରର ରାଜଧାନୀ ଏବେ ପାଲଟି ଯାଇଛି ଅପରାଧର ସହର। ପାଟନାରେ ଇଣ୍ଡିଗୋ ମ୍ୟାନେଜରଙ୍କ ହତ୍ୟାକୁ ନେଇ ଆର୍ଜେଡି ନେତା ତେଜସ୍ୱୀ ଯାଦବ ବିହାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିଶ କୁମାରଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ପାଟନା ଏବେ ଭାରତର ଅପରାଧ ସହର ପାଲଟି ଯାଇଛି। ଦିନକୁ ଦିନ ଅପରାଧର ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ରୂପେଶ ଯାଦବଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯିବା ପରେ ନୀତିଶ ଏକ ପ୍ରେସ୍ ବିଜ୍ଞପ୍ତି କରିଥିଲେ। ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ ସେ ହତ୍ୟାକାରୀକୁ ଗିରଫ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ବୁଲେଟିନ୍ ଶେଷରେ ହେଡ୍‌ଲାଇନ୍ସ ପୁଣି ଥରେ। ସାରା ଦେଶରେ କରୋନା ବିରୋଧରେ ମହାଭିଯାନ। ଟିକାକରଣର ଶୁଭାରମ୍ଭ କଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି। ସଂଗ୍ରାମରେ ସାମିଲ ହେବା ଲାଗି ଆହ୍ୱାନ। କୋଭିଡ୍ ଯୋଦ୍ଧା ଫ୍ରଣ୍ଟଲାଇନ୍ ୱାର୍କରଙ୍କୁ ଦିଆଗଲା ଟିକା। ରାଜ୍ୟରେ ଚାଲିଲା ମହାସଂଗ୍ରାମ। ପ୍ରଥମ ଟିକା ନେଇଥିବା ତିନି ଜଣଙ୍କ ସହ ଭାବ ବିନିମୟ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ନର୍ସ ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀ ଓ ଡାକ୍ତରଙ୍କଠାରୁ ନେଲେ ଫିଡ୍ବ୍ୟାକ୍। ମହାମୁକାବିଲାରେ ସାମିଲ ଲାଗି ଆହ୍ୱାନ। ମହଙ୍ଗା ପଡ଼ିଲା ଦୁର୍ନୀତି। ଚିତ୍ରକୋଣ୍ଡା ବ୍ଲକ ବିଡିଓ ଲାରିମୋହନ ଖର୍ସେ, ଝରିଙ୍ଗା ବ୍ଲକ ବିଡିଓ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ବାହାଦୁର ସିଂ ଧାରୱା, ଝରିଙ୍ଗା ବ୍ଲକ ଜେଇ ସୁନୀଲ ତାମ ସସ୍ପେଣ୍ଡ। ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କଲା ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ବିଭାଗ। ନବୀନ ନମ୍ବର ୱାନ୍ ପରେ ବିଜେଡିରେ ଖୁସିର ମାହୋଲ। ଛୁଟିଲା ଶୁଭେଚ୍ଛାର ସୁଅ। ସେପଟେ କଂଗ୍ରେସ ଉଠାଇଲା ଋଣଭାର, ନାରୀ ନିର୍ଯାତନା ଓ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପ୍ରସଙ୍ଗ। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ମୋଦି ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକପ୍ରିୟ ନେତା। ମାଓବାଦୀଙ୍କ ଗଡ଼ରେ ଯବାନ କରିବେ ରାଜ। ମାଲକାନଗିରି ଖଇରପୁଟରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଲା ବିଏସ୍ଏଫ୍ କ୍ୟାମ୍ପ। ଅଞ୍ଚଳରେ ବିକାଶ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହେବ ଆଶା। ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଖୁସିର ଲହରୀ। ପୁଲିସ କବ୍ଜାରେ ଡକାୟତ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ। କୋଟାସିଂ ଗାଁ ଜଙ୍ଗଲ ରାସ୍ତାରେ ଗିରଫ ହେଲେ ଡକାୟତ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ। ଗୋଟିଏ ବନ୍ଧୁକ ସହ କିଛି ଅଣଓଡ଼ିଆ ଡକାୟତକୁ କାବୁ କଲା ଲୋସିଂହା ପୁଲିସ। ସମୟ ଶେଷ ହୋଇଛି। ଶୁଭ ସକାଳକୁ ଏଠି ରଖୁଛୁ। ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଭାଗ୍ୟଲକ୍ଷ୍ମୀ। ତାଜା ଖବର ଅପଡେଟ୍ସ ପାଇଁ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ ଏମ୍ବିସି ଟିଭି। ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ ଏମ୍ବିସି ଟିଭି ଆପ୍। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।